कसा काय मंडळ मेरा नाम है पिंटिया प्यार से लोग मेरे को लौड़िया भी बुलाते आज मैं तुम लोग को पबजी का हिस्ट्री बताएगा बोले तो इतिहास पबजी जो है कोरोना वायरस का जुड़वा भाई है दोनों का जन्म 1956 में चाइना की वुहान में हुआ था अब दोनों बचपन से ही बहुत ही आतंकी जैसा रहने का ऊपर से जो पबजी जो है उसको तो खेल कूद का इतना नाच था ना पूछो मत मेरे को पबजी बचपन में खो खो गोटिया लिगोर्ची सब खेलने का दोनों बचपन में बड़ा हुआ बड़ा होने के बाद बोला मम्मी मेरे को किधर तो जाने का है उनका मम्मी जो जॉइंटिस्ट पहले आ चुका था इंडिया में तो उनको बोला कि तुम लोग को जाने का है तो इंडिया ही जाने का तो पबजी जो है बोला कोरोना को कि कोरोना भाई पहले मैं जाऊंगा मैं देख के आऊंगा मेरे को सब अच्छा लगा तो तेरे को बुलाऊंगा पबजी इंडिया में आने के बाद देखा कि अरे बाबा इधर तो सबसे ज्यादा इंजीनियर है बोले तो बेरोजगार बोले तो अपना काम स्वाहा हो गया पबजी धीरे 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 पॉपुलैरिटी पाने लग गया लोग उसको रात रात भर गले से लग के रखने लगे बोलने लगे लौड़े पोचिंग की लौड़े मिलिट्री बेस उतरना मादर चौथ ऐसा बोलने लग गए पबजी बहुत दिन पर दिन फेमस हो गया लेकिन जैसे दोस्तों कोई भी आदमी जितना फेमस होता है तो उसको नफरत करने वाला भी बहुत बढ़ता है तो पबजी के दुश्मन भी बहुत बढ़ गए और दुश्मनों ने प्रधानमंत्री तक बात पहुंचा दी कि प्रधानमंत्री पबजी आतंकवादी तुमको इसको निकालना पड़ेगा देश से प्रधानमंत्री बेचारा बोला कि अरे बाबा अपने लोग सच बोलते रहेंगे इसलिए पबजी को निकाल दिया फिर बाबा पबजी गया ना चाइना और बोला कोरोना मेरे को भगा दिया ना बाबा भारत से कोरोना को आया ना टेम्पर कोरोना टेम्पर में आ गया ना बाबा आया भारत क्या एकदम कोरोना ऐसा डेंजर में आया ना बाबा पहला दूसरा पूरा टेंशन हो गया ना प्रधानमंत्री को भी टेंशन आ गया ना बाबा प्रधानमंत्री बोला अरे पबजी अच्छे आदमी को अपन बाहर निकाल दिया ये कोरोना हरामी को इधर अपन अंदर ले लिया दोनों के बीच है ना थोड़ा सा सीक्रेट मीटिंग हुआ भाई तुम लोग को बोल रहा है तुम लोग किसी को बोलो मत पापी पेट का सवाल ही रे बाबा दोनों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुआ प्रधानमंत्री बोला देख कोरोना तेरे को इधर से जाना पड़ेगा कोरोना बोला नहीं बाबा मैं नहीं जाएगा पबजी को अंदर लाना पड़ेगा प्रधानमंत्री थोड़ा सोचा बोला कि ठीक है पबजी को ला लेता है क्या बिगड़ेगा फिर धीरे धीरे कोरोना जाने लगा पबजी धीरे धीरे आने लगा और पबजी आ गया BJMI नाम से आ गया पबजी नाम बदलना पड़ता है थोड़ा सा लाइसेंस का लपड़ा हो गया था उसका इसके आगे का कहानी भी मेरे को मालूम है तुम लोग को मैं सुनाएगा बाद में अभी मेरे को पबजी खेलने का रे बाबा ए लौड़े पोचिंग की लाइक और शेयर और कमेंट करो है इसको मैं खेलता है तब तक ए उतरना लौड़े भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।